मन बड़ा बेईमान है, बेईमानी का दूसरा नाम मन होता है। आपके अंदर मन बहुत कुछ करता है और मन बहुत कुछ बिगाड़ता है। जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं ना, अभी आप मोबाइल पे कोई वीडियो देखने लगो तो उसी टाइम आपको लगेगा कि अभी इसको खत्म करके फिर दूसरा काम करता हूं, और जब आप कोई मेडिटेशन का वीडियो देखो, जब आप कोई पढ़ाई का वीडियो देखो, जब कोई काम की बात करो, तो मन कहेगा कि इसको फिर शांति में करेंगे, शांति में, जिस शांति में करने वाली चीज है, अभी नहीं देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसको। 100 पदों में जो ब्रह्म स्थान निकाला जाता है या 100 पद में जो कुछ बनाया जाता है, बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तब, छोटे यज्ञ में जो निकाला जाता है वो तो 1 पद का हो जाता है सकल का, या श्राद्ध कर्म वगैरह में 1 पद में भी काम चल जाता है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ा मंदिर जब बनाया जाता है तब, कहीं पर मंदिर साला बनाया जाए, मंदिर साले टाइप में जो बनाया जाता है, पूरा स्तंभित मंदिर है, उसको तो 100 पद में नहीं बनाते। पहले के जमाने में, समय में ये होता था कि जो यज्ञ होता था पहले, तो उसके लिए मंडप बनाया जाता था, जो मंडप बनाते हैं ना, और वो महीनों तक चलता रहता था। देखिए 100 पद वाली लेते हैं, इसमें 11-11 लाइन खींचिएगा, 1, आप लोग भी खींच लो, आप लोग एक पेन कॉपी ले लो या बच्चों वाली स्लेट ले लो हाथ में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे खींचिए, 11 लाइन लिया हुआ है, बहुत अच्छा है। और लोग ले लीजिए, जितने हैं वो सब ले लीजिए, और आप लोग जब भी इसको बनाएं तो स्केल से लेकर नाप के इसकी इसकी दूरी एक होनी चाहिए, तो मर्म स्थान ऐसे आ जाएगा चुटकियों में। मैं जब इसमें मर्म स्थान निकालूंगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा चला जाएगा, और जब आप इसकी दूरी निकाल, पूरी पूरी एग्जैक्ट दूरी लेकर स्केल से आप करेंगे, और फिर इसको भी आप ऐसे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जा। इसमें 1.5-1.5 पद के 2 देव होते हैं, ये दोनों आप हटाओ, ये 1.5 पद के 2 देव, फिर 1.5 पद के 2 देव, बच्चों वाली स्लेट ले लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, मिटाने में काम आएगा ऐसे ही। ये 1.5-1.5 पद के 2 देव हो गए, फिर आप उसी तरह से ये 2-2 पद के 1 देव को निकाल लेंगे, मिल गए यहां पर, 16 पदों में ब्रह्म होता है, ये ब्रह्म स्थान का पहला वाला मिल गया। फिर आप ये 2 पदों को हटा लेंगे, यहां पर 2 पद का 1, अब यहां पर ये ब्रह्म स्थान का हो गया, इधर से फिर 2 पद में 1 ले लेंगे, फिर ये मिल गया। अगर ये अभी याद नहीं हो पाया ना, जिसको भी, वो समझना कि जो फेलियर होता है ना, वो इस लाइन में कदम रखता है, जैसे तैसे लोगों को बना ही लेंगे, बेवकूफ वेवकूफ जो भी बनाना है वो, जिसको याद नहीं हो यहां पर जाते टाइम में यही समझना। स्वामी जी क्या इस मंडल को ऑटोकैड भी बना सकते हैं? बिल्कुल, ऑटोकैड तो डिजाइन तो हम किसी का भी बना सकते हैं, ये हम अभी वर्ड में निकाल सकते थे इसको, फिर हमने यहां पर लिया और ये लिया, 2 पद हो गया इसमें, जैसे ये छोटा बड़ा है ऐसे नहीं होता है, एक्यूरेट दूरी का होता है, ये हो गया 4th। अब यहां पर जो 16 पदों में जो ब्रह्म हुआ ना, वो ये हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 16 पदों में ब्रह्म स्थान यहां पर निकल के आ गया सीधा सीधा। यहां पर चारों मुख जो होते हैं ना, वो 8-8 पदों के होते हैं, एक तो आप ऐसे लेंगे,
अभी तो आप हाथ से बनाना सीखिए, अभी मन के बहकावे में मत आइए कि इसको ऑटो कैड से ही बना लेंगे, हमारे पास तो ये भी व्यवस्था है, हमारे पास तो वो भी व्यवस्था है। अभी तो हाथ से बनाइए, और हाथ से बनाना आ गया ना तो सारे कैड में हो जाएगा। ये हो गए ब्रह्मा जी, ब्रह्म स्थान 100 पदों के प्लॉट में, जो 100 पदों वाला हम पद विन्यास निकालेंगे उसमें ब्रह्म स्थान ऐसे, फिर उसमें 8 पद, ये जो 8 पद है ना, 8 पद के 4 देवता होते हैं। अब आठ पद के चार देवता आपके ये हो गए, ये है 100 पद में पद विन्यास, ब्रह्म स्थान ऐसे निकाला जाता है 100 पद में, 8 पद के 4 देवता हो गए, 2-2 पद के 8 देवता हो गए, और यहां पर 1.5-1.5 पद के 2 देवता होते हैं, देवता हुए 45 होते हैं आपके। ये हो गया 100 पद विन्यास में ब्रह्म स्थान निकालो। अब हम आगे देखेंगे इसमें कैसे कहां कहां से ब्रह्म जाता है, 81 पद में ब्रह्म स्थान का कान कहां पर होता है, कौन से देवता पर होता है, ब्रह्म स्थान का हाथ कहां से जाता है, पैर कहां पर होता है, पैर पे कितने देवता होते हैं, और तब आप समझिएगा कि देवता फील्ड है क्या, देवता फील्ड। अच्छा कुछ गलत बन गया है, क्या गलत बन गया है, सोलह पद में ये हो गया, गलत क्या बन गया, सिखी परजन जयंत इंद्र सूर्य सत्य वृष आकाश अग्नि, क्या गलत बन गया आप बताइए, आपका गलत बन गया, ये तो सही बना है, ये तो सही बना है, ये तो यहां पर आ गया रोग, ये तो सही है, 8 ये भी है ना, 8-8 पद के देव हो गए, आप लोग बनाइए अच्छा बनेगा। अच्छा आपका कैलकुलेशन गलत है, ये अच्छा इसको करिए अच्छा रहेगा, सीखिए और उसी टाइम याद करिए, बाद में नहीं। क्या होता है ना, मन बड़ा बेईमान है, बेईमानी का दूसरा नाम मन होता है, आपके अंदर मन बहुत कुछ करता है और मन बहुत कुछ बिगाड़ता है। जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं ना, अभी आप मोबाइल पे कोई वीडियो देखने लगो तो उसी टाइम आपको लगेगा कि अभी इसको खत्म करके फिर दूसरा काम करता हूं, और जब आप कोई मेडिटेशन का वीडियो देखो, जब आप कोई पढ़ाई का वीडियो देखो, जब कोई काम की बात करो, तो मन कहेगा कि इसको फिर शांति में करेंगे, शांति में, ये शांति में करने वाली चीज है, अभी नहीं देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसको, इसको बिल्कुल आराम से बैठ के देखेंगे। ये चीजें जो मन जो ये बहाने देता है ना, उस टाइम में आप उसको समझाइए, समझाओ मत, समझाने से समझता नहीं है, वही समझाएगा फिर आपको, फिर आप बहाने देंगे, बड़ा जाल सा है ये। तो उस टाइम में केवल आप अपनी गति से काम पे लगे रहिए, जब भी आपको मन कोई बहाना देता है तो अपनी गति से काम पर लगे रहिए, जब काम हो जाए तब पूछे, हाँ भाई क्या कह रहा था बता, कौन सी इंटरटेनिंग वीडियो देखनी है अब दिखा, समझ रहे ना। तो ये चीजें बाद में मत करिएगा, ये अभी करिए, जो मैंने बताया है अभी अगर नहीं हुआ है तो 2 बार 3 बार 1 बार 4 बार बताइए, इतना सधा हुआ हाथ एक बार में बनाने से नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको अभी अभी बनाइए, तीनों को बनाइए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, यहीं पर मैसेज कर दीजिएगा कि हो गया, धन्यवाद आप लोगों को, धन्यवाद इस ज्ञान को,
जिसके वजह से मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों से भाव प्रेम बना हुआ है। धन्यवाद इस सारी व्यवस्थाओं को, इस लाइट को, मोबाइल को, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही हैं। उन सबों को धन्यवाद जो जो इसमें सहायक हैं, उन सबों को धन्यवाद जो जो सहायक होंगे या हुए थे।